आज है टेम्परेचर 6 डिग्री, दोबारा से ठंड हो गई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है एंड बारिश भी होने वाली है। और हम बाहर निकले हैं होल फूड्स तक थोड़ा सा घर का सामान लेने। आज हमने दोपहर को बहुत काम किया तो संचित ने बोला कि रात का खाना मैं बनाऊंगा, तो आज संचित हमको एकदम घर जैसी ढाबा स्टाइल मूंग धुली दाल खिला रहा है। थोड़ा कैट लग रहा है, स्पाइसी टीटे का ढाबा याद आ गया मेरे को यार। टीटे क्या अमेजिंग सब्जी है, गोभी आलू। जो जो ये देख रहा है, मतलब अगर आपने दिल्ली में टीटे के ढाबे का या टीटे का ढाबा जोमेटो और स्विगी पे दोनों पे आई थिंक डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है, आप जरूर मंगाओ। उनका बैंगन का भरता, मस्त फ्राई, गोभी आलू और दाल सारी सब्जियां बेसिकली, इवन दाल तड़का, टू गुड दैट टू विद स्टफ्ड, और बहुत अच्छा खाना है, बहुत कैंड है। यहाँ पे द बेस्ट थिंग आई लाइक इज हमको यहाँ पे चॉप गार्लिक मिल जाते हैं, मिंस्ड गार्लिक मिल जाता है। गार्लिक काटना, आई मीन लहसुन काटना, मेरे को बहुत बहुत जल्दी लगता है, बहुत एफर्ट है। आज है ताऊजी ताईजी का डिनर और दोपहर को जाना है मैंने उनके साथ सेंट्रल पार्क घूमने, तो हम डिनर की तैयारी करके जा रहे हैं। और मैंने बनाया है मटर पनीर, कैसा लग रहा है? ओ, दिखने में तो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। और संचित बना रहा है दाल मखनी, डिजर्ट में बनाई है हमने खीर। ताईजी आने वाले हैं फॉर द डिनर, तो हम बना रहे हैं पहले स्नैक्स में पिज्जा चाय के साथ, और उसके बाद हमारा मेन कोर्स होगा। आई कुडंट गो टू सेंट्रल पार्क विद देम जैसा कि प्लान था, लेट्स सी हमारा पिज्जा बनता कैसे है। न्यूयॉर्क में रहके हम घर पे पिज्जा बना रहे हैं, हमने कहा थोड़ा इंडी टच देते हैं पिज्जा को। तो क्या तुम टॉपिंग्स डालोगे? यस, सो बेसिकली अभी तक मैंने जितना देखा है यहाँ पे टॉपिंग्स इतनी नहीं होती पिज्जा में, राइट? अभी तक जितना भी खाया है न्यूयॉर्क, जब दी न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा होता है उसमें टॉपिंग्स इतनी थी ही नहीं, या मोस्ट लाइकली एक टॉपिंग, व्हिच इज यूजुअली चिकन और मीट, लाइक टॉपिंग से भरा हुआ, व्हिच वी यूजुअली लाइक। एंड घर का पिज्जा तो बहुत ही अच्छा होता है जो वहाँ बनता है, तो आई थॉट हम थोड़ा घर जैसा बनाने का ट्राई मारते हैं। ये हमारा पिज्जा हो गया है तैयार और अब हम जा रहे हैं सर्व करने, एंड इट लुक्स गुड। ताऊजी ताईजी एंड अनमोल आए हैं हमारे घर डिनर पे। डिनर एक्चुअली हमारा हो चुका है, अब डिजर्ट टाइम हो गया है। डिनर में सब इतने मगन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा वीडियो भी बनानी है। ताऊजी और ताईजी से पूछते हैं उनको हमारा डिजर्ट, जो कि हमने खीर बनाई थी कल, कैसी लगी? बढ़िया बनाया, कितनी तारीफ करी है उतनी कम है। अरे 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 ऐसा तो अब तो बोलना पड़ेगा भी ना, होता है ये भी। नहीं, खाना बहुत ही अच्छा, दाल तो बहुत ही टेस्टी है, मैंने तो खूब खा ली पेट भर के। इट वाज टॉप, रियली रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर द हॉस्पिटैलिटी। आज है सैटरडे, इट्स सो विंडी, वैसे टेम्परेचर अच्छा है 10-12 डिग्री के आसपास, बट हवा बहुत चल रही है। और हम निकले हैं बाहर, सो आज हम जा रहे हैं आइकिया का सामान, जो छोटा मोटा रह गया था वो हम आइकिया से लेने जा रहे हैं। अब वेदर इज़ गुड, बारिश भी हो रही थी, हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, तो बस आइकिया पहुँचते हैं अब हम एंड एक्सप्लोर करते हैं। तो अपन को 1 घंटा लगेगा पहुँचने में, देन वी विल एक्सप्लोर आइकिया। आई हैव हर्ड आइकिया इतना बड़ा है कि भाई वहाँ तुम लिटरली घूमो सकते हो। हाँ, तो देयर आर लॉट्स ऑफ जोक्स अबाउट इट दैट यू गेट लॉस्ट इन आइकिया, बट हाँ अभी चल के वहाँ सबको दिखाते हैं। हमने लिया है सबवे, वी हैव जस्ट बोर्डेड द ट्रेन, तो 15-20 मिनट का रास्ता है, देन वी हैव टू गेट डाउन एंड हमको बस या फिर कैब लेनी पड़ेगी टू रीच आइकिया। हमने ट्रेन चेंज करी है और यहाँ पे हमको बहुत अच्छी चीज़ दिखी है, जितनी संचित की ऑब्जर्वेशन थी। अब हम आ गए हैं ब्रुकलिन में, काफ़ी पुराने मेट्रो स्टेशन हैं यहाँ पे एक्चुअली, अपनी दिल्ली वाले तो बहुत ही एवन बने हुए हैं इसके कंपैरिजन में। एंड नाउ वी आर जस्ट इवेल्यूएटिंग कि हमको बस पे जाना है, बस मिलती है तो, वरना कैब करके वी विल बी रीचिंग आइकिया।
अब हमें बस मिल गई है जो कि आईकिया के पास ही उतारेगी, सो वी आर जस्ट बोर्डिंग इट। तो यहाँ की बसेस में भी सोनम बेवफा मेरे वाले चीज़ें लिखी होती हैं। पहुँच चुके हैं आईकिया के बिल्कुल सामने, तब हम एंटर कर रहे हैं। कितनी बार आए हो आईकिया? एक बार। एक ही बार आए हो अभी तक? सब कुछ ऑनलाइन मिलता है तो आईकिया। सो नाउ वी हैव एंटर्ड आईकिया, इनका शोरूम वाला पार्ट, एंड दैट साइड इज रेस्टोरेंट जो कि हम शॉपिंग के बाद वी गो देयर एंड ईट समथिंग। तो हमको लेना तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट इट्स गुड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स ताकि हमें आइडिया रहे। आई थिंक यहाँ पर आपको सेटअप के आइडियाज से मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, द डिस्प्ले इज टू गुड। आई मीन जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें डिस्प्ले करी हैं, यू गेट द आइडियाज एज वेल। किचन कितनी प्यारी है। सो यहाँ आके ना एक्चुअली आइडियाज़ मिल रहे हैं कि कैसे सेट कर सकते थे कैसे नहीं, एंड आई रियली लाइक रग का स्टाइल जिस तरीके से यू नो टू रग्स आर प्लेस्ड। ये सोफ़ा एक्चुअली में बहुत अच्छा है, जब तक मैं इस पर बैठी नहीं थी मुझे समझ नहीं आया था ये क्या बैठ बैठ के ओ नाइस करी जा रहा है, और जब मैं इस पर बैठी तो मेरे को समझ आया कि एक्चुअल में बहुत अच्छा सोफ़ा है इट लुक्स, और बैठ के जो मज़ा आया ना, मतलब ये वाइड है काफी एरिया इसका, वो तो और भी अच्छा है। ये तो सोफे 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 ही है भाई, क्यों सोफा सोफा करती है, क्यों सोफे पे तुम मरती। ये भी निकला ना बैठ के, ओ ये बैठ के एक्चुअली इट लुक्स गुड यार, है ना। तो ये सोफा एक ऐसे है जिसपे बस पूरा दिन पड़े ही रहो, इट इज रियली कम्फर्टेबल। But I think it's all about the cushion. So we can इसको ले सकते हैं बिकॉज नंबर वन ये इसकी यूटिलिटी दो साइड हो गई ना, एक तो स्टोरेज भी हो गया प्लस सिटिंग भी हो गया, और ये ड्रेसिंग के आगे हम रख सकते हैं, एंड इवन गुड फॉर द प्राइस। संचित को फाइनली हमारे सोफे के पीछे लगाने के लिए ये चीज़ पसंद आ गई है। हाँ, तो बेसिकली आपको सब हम इस बॉक्सेस में अपनी फोटोज लगाना चाहते हैं डिफरेंट सिटीज, different places, different cities. Initially हम ऐसा कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क में सारी different different जगहों पे pictures. Exactly. फिर next we can set the target कि हम world की different cities. और फिर जब हम देखेंगे कि ये blank है तो we'll get that motivation कि अब हमें बाकी cities भी explore करनी है. Very good. I like the idea and this is actually a good thing to place sofa के पीछे हमारी। I'm glad तुमको finally कुछ पसंद आया। Random मजनू भाई की पेंटिंग लगाने के बजाय अपनी फोटोज लगा लेंगे। मजनू 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 मजनू। हमने हाफ का भी हाफ नहीं कवर किया है, हर जगह तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल ही मिली जा रहा है, बट दिस इज सो क्यूट यार। आई लाइक दिस हेयर यार। हां, यू लाइक इट? आई थिंक इसका सपोर्ट अच्छा है ना। एक बैक बहुत ही पीछे चली जाती है तो बंदे को ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाता है, मतलब को हमें वी नीड अ चेयर जिसका बैक सपोर्ट अच्छा हो। दिस इज गुड, ऐसा नेक सपोर्ट भी मिलेगा। ऑल्सो लुक्स वेरी क्यूट जिस हिसाब से इन्होंने ये सब डिस्प्ले और सेटअप कर रखा है, एंड एक्चुअली मुझे लग रहा है इन्होंने पूरा घर ही बना रखा है। ये अंदर आते आते देयर इज दिस वॉशरूम, बंदे का ना भी कुछ लेने का मन हो तो लेना ही पड़ जाए। ये कायरा को इतना पसंद आता है ना सब, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ अगर वो यहाँ होती है मैं इसको ले देती बस, शी वुड रियली हैव लव्ड इट, उसको इतना शौक है ना ऐसे छोटी किचन। कायरू भाई वी मिस यू सो मच, जल्दी जल्दी आ जा। क्या कह रहे थे संचित तुम? मैं कहा मम्मी आ गई तो पागल ही हो जाएंगी यहाँ पर। सच्ची इतना सामान है ना, ड्रीम वर्ल्ड है। सीरियसली ये भी ले लेते, बाद में यूज हो जाएगा, ये भी रख लेते हैं। एक्चुअली में बैठने का बहाना चाहिए, जब कोई जगह दिखती है ट्राई करने के लिए फटाफट बैठ जाता है। चेयर को आप बिना बैठे कैसे? तुमको बैठने का बहाना चाहिए, ठीक है? झूठ कम बोलो। आई वाज जस्ट चेकिंग। और आए क्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आ गया है चिल्ड्रन सेक्शन, एंड यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं बच्चों की, लाइक द बर्ड्स आर सो क्यूट। बहुत सुंदर सेक्शन है। मम्मा किसके लिए? ये कायरा मम्मा। कायरू लायन ने आपके लिए देखो एक चीज़ ढूंढी। कायरा लियू मम्मा मम्मा मम्मा।
मुझे बड़े क्यूट लगे, मैं यहाँ पे लेने आई है तो संचित कहता है ये बच्चों के हैं, तो मैं बोला मैं भी तो किड्डी हूँ। तो अब हम सोच रहे थे मार्केट प्लेस जाएं और सामान लें एंड जो जो हमें चाहिए लेके बाहर निकले, बट यहाँ पे रेस्टोरेंट है सो हम सोच रहे हैं पहले कुछ खा लें बिकॉज दोबारा ऊपर आना पड़ेगा और उसके बाद नीचे जाके विल से गुड बाय टू आई की। अनफॉर्चुनेटली रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है और हमको बहुत भूख लग रही थी, तो अब हम फाइनल बिलिंग काउंटर और मार्केट प्लेस पे जाते हैं। अभी तक एक्चुअली हम ऊपर सिर्फ डिस्प्ले देख रहे थे एंड वी वर जस्ट चूजिंग द थिंग्स, अब सामान उठा के लेना शुरू करेंगे। सो आई थिंक इट विल टेक अनदर 1 आवर। सो मार्केट प्लेस में हमारा एक आइटम दैट इज़ दी ट्रे, वो सबसे स्टार्टिंग में मिस हो गया, हमें दिखी नहीं बट वो है कुकिंग एरिया में ही। अब हम पूरा घूम के वापस जा रहे हैं एंड वी आर रियली रियली टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है आइकिया, पूरा घूम के वापस जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे चेकआउट में बिलिंग कराने। तो अब हम सेल्फ चेकआउट एरिया में आ रहे हैं एंड अब तक ऐसा लग रहा है वैष्णो देवी की यात्रा कर ली हमने। सो हियर इट इज़, हमें राग में से तो कुछ सामान नहीं उठाने वाला, तो रैक्स में नहीं उठाना बट जितना भी हैवी फर्नीचर है वो यहाँ पर होता है, हमें पिक करना होता है खुद से। सो इट्स बेसिकली सेल्फ पिकअप एज वेल एज सेल्फ चेकआउट। तो जो ऊपर हमने शोरूम में जो जो आइटम आपको पसंद आती है आप उसका यूनिट नोट करते हो डिटेल, और डिटेल में दे टेल यू कि नीचे सेल्फ पिकअप एरिया में कौन से रैक में कौन से आइल में है। सो यू हैव टू योर सेल्फ पिक दिस, ये फर्नीचर विच इज़ ऑल लाइक डिसअसेंबल्ड। Oh my god, this is so huge. And पहले, you have to assemble it yourself and that is one of the reason जिसलिए IKEA सस्ता है क्योंकि खुद आपको assemble करना पड़ता है। So Sanchit, how was your IKEA experience? It was good but tiring, बहुत चलना पड़ता है और इतना सामान आपको लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो ये भी ले लो, but eventually I think आपको basically मन बना के आना चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए, अदरवाइज आप बहुत सामान ले लोगे। छोटा सा हमने स्टोरेज देखा था तो वो मैं भूल गई हूँ, अब तो मैं संचित को कह रही थी भाग के जाके ले आओगे प्लीज़, 2 मिनट लगेंगे भाग के ले। मतलब मैं प्रेफर ये करूँगा कि वो हम ऑनलाइन ट्रिपल रेट पे या 10 times रेट पे मंगा लें rather than अब वापस भाग के जाऊँ। भाग के भी जाएगा ना तो भी 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। तो हमारी भी 12 से ज़्यादा चीज़ें हैं ना, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो फिर लाइन तो में? हमारी पहली बात 12 से एक ही एक्स्ट्रा है और हमने दूसरा इसका वे आउट ढूंढा है, तो वी आर 2 पीपल, तो एक बिल मैं कराऊंगा एक बिल ये कराएगी, तो दोनों हाफ करके। तो ये हमने थोड़ा सा ये सीरियसली 6 फुट का बच्चा है, इसको दूर से ये चॉकलेट का बोर्ड दिख गया दूर से और भागते भागते आ गए चॉकलेट लेने बिफोर द बिल। शॉपिंग हो चुकी है, बिलिंग भी हो चुकी है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको चाहिए थी वही लिया बिकॉज आई के आके तो इट्स लाइक देयर इज नो लिमिट, जितना ले लो कोई एंड ही कोई अंत ही नहीं है भाई। एंड नाउ फॉर्चुनेटली हमको खाने का एक सेक्शन दिख गया यहाँ पे, तो वी आर गोना हैव समथिंग बिकॉज वी आर रियली हंग्री एंड टायर्ड और वापस जाने के लिए भी अभी हमको 1-1.5 घंटा लगेगा, तो कुछ पेट पूजा हो जाए खाते हैं फिर निकलते हैं। दिस वॉज फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू कॉमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।